मेरे भाई को लगता था कि ये साथ में रहेगा तो मेरी फैमिली ज्यादा सिक्योर है, हम ज्यादा सिक्योर आपका है एक दिल साथ। उस महिला के प्रति पसीज न जाए, आप कहीं नर्म न पड़ जाए। मेरी बेटियों पे इल्जाम था कि मनोज बेटियों ने बड़ा मरवाया। एक एनआरआई लेडी थी, उसने अपने हस्बैंड को यहाँ बसंतापुर गांव में 1/9/2016 की रात को उसका मर्डर कर दिया था, और अपने यार के साथ मिलके ग्रुप। पोते ने सुबह आके बताया मुझे कि दादी डैडी नहीं उठ रहे, तो वही मुझे ऊपर ले गया। मैं सॉरी, तो इसको फांसी हुई है, वो यही डिजर्व करती थी, उससे हम खुश हैं। बट मिट्टू को भी फांसी की सजा ही होनी चाहिए थी, होनी क्योंकि चाहिए वो भी इक्वली गिल्टी है उसके लिए। फांसी की सजा। आम आदमी का दिल दहल जाता है जब वो सुनता है कि फांसी होने वाली है। यूं तो देश में फांसी के मामले बहुत कम आते हैं, लेकिन अभी शाहजहांपुर जनपद जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर एक एनआरआई महिला को फांसी की सजा सुनाई गई है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है। आपका दिल उस महिला के प्रति पसीज न जाए, आप कहीं नर्म न पड़ जाए। और उससे पहले हम आपको ले चलते हैं इस कहानी के पीछे, क्या पूरा वाकया है और ट्विस्ट क्या है। बात कई साल पहले की है। मामले की शुरुआत पंजाब प्रांत के कपूरथला जनपद में होती है, जहां पर दो दोस्त आपस में मिलते हैं, जिनका नाम होता है सुखजीत सिंह उर्फ सोनू और गुरप्रीत उर्फ मिट्टू। बचपन के दो दोस्त, पढ़ाई पूरी करने के बाद सुखजीत सिंह उर्फ सोनू इंग्लैंड के डर्बीशायर में शिफ्ट हो जाते हैं, और उनका मित्र मिट्टू दुबई चला जाता है। डर्बीशायर जाने के बाद सुखजीत सोनू एक भारतीय मूल के सिख परिवार के संपर्क में आते हैं, जिनकी बेटी रमनदीप कौर से उनका विवाह होता है और दो बेटे उन दोनों को पैदा होते हैं। उसके बाद वर्ष 2016 में अपने बच्चों को लेकर के सोनू डिसाइड करता है कि वो अपने मित्र मिट्टू से मिलने दुबई जाएगा, और दुबई होता हुआ इंडिया वापस आएगा अपने घर पे, जहां वो बिलोंग करता है, जहां का रहने वाला है। सोनू अपनी पत्नी रमनदीप कौर और दोनों बच्चों को लेकर दुबई जाकर अपने मित्र मिट्टू के घर कुछ दिन बिताता है, और वही कुछ दिन सोनू की जिंदगी में जहर बन जाते हैं। जो उनका जिगरी यार मिट्टू होता है, उनका और रमनदीप कौर का प्रेम प्रसंग वहीं से शुरू हो जाता है। उन दोनों के साथ ही यह तय होता है कि मिट्टू भी इंडिया आएगा, और वो दोनों परिवार इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद सोनू और उसकी पत्नी रमनदीप कौर एक टूर प्लान करते हैं देश भ्रमण का। उस टूर पर सुखजीत उर्फ सोनू चाहता है कि उसका जिगरी मित्र मिट्टू भी साथ चले, और साथ जाता भी है। घूमते हैं, टहलते हैं, हंसी मजाक ठिठोली करते हैं, एंजॉय करते हैं। और उसके बाद वहीं उस टूर पर यह तय होता है कि किस तरीके से रमनदीप कौर अपने पति सोनू उर्फ सुखजीत को अपने रास्ते से हटा दे, ताकि उनका इश्क पूरी तरीके से अपने चरम पर पहुंच सके और कामयाबी हासिल कर सके। इधर इतने बड़े कृत्य को करने के लिए जो गुरप्रीत मिट्टू है, वो एक बार भी नहीं सोचता है कि वो उसके जिगरी यार की पत्नी है। और दोनों मिलकर के इस मर्डर को प्लान करते हैं, जो कि बड़ा ही हाई प्रोफाइल मर्डर होता है जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2016 में, जिसके सापेक्ष कोर्ट के निर्णय पर रमनदीप कौर को फांसी की सजा और गुरप्रीत उर्फ मिट्टू को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि गुरप्रीत को जिससे कि उम्र कैद की सजा हुई है, जो सोनू का अच्छा मित्र था, भरोसेमंद इंसान था, उसे कौन सी सजा होनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, कमेंट करके बताएं कि गुरप्रीत मिट्टू किस सजा को डिजर्व करता है, जबकि उसकी जो कथित प्रेमिका रमनदीप कौर थी, उसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इस आगे हाई प्रोफाइल मर्डर की जो प्लॉटिंग हुई मिट्टू और उस महिला के बीच में, उसमें मिट्टू ने अपने घर वालों के, दोस्तों के और समाज के लोगों में आंखों में धूल झोंककर ये दिखाया कि वो दुबई जा रहा है, और दुबई के लिए चला भी गया। घर वाले उसको एयरपोर्ट तक छोड़ करके आए, लेकिन वो दुबई गया नहीं, उसने फ्लाइट छोड़ दी और उसके नेक्स्ट डे की फ्लाइट बुक कराई। उस रात वो घटना को अंजाम देने के लिए लौट आया शाहजहांपुर, जहां पर इधर उस महिला ने अपने घर के मेंबर्स को, वृद्ध सास माँ को,
और बच्चों को इवन कुत्तों तक को नशीली गोलियां खिला रखी थी। वो सब नींद में सो रहे थे और उस महिला ने दरवाज़ा खोल दिया। मिट्ठू घर में दाखिल हुआ और हथौड़े से वार किया। जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो ये बताते हैं कि हथौड़े से पहले वार किया, उसके बाद जब वो नहीं मरा तो फिर रमनदीप कौर ने स्वयं चाकुओं से उसका गला रेत दिया और कई बार किए। इस सब घटनाएं उनके बड़े बेटे ने देखी चादर उठा करके, लेकिन वो इतना सहम गया था कि वो चुपचाप लेटा रहा। और सुबह रमनदीप कौर बिल्कुल इनोसेंट बन करके ऐसा एक मैसेज देना चाहती थी कि बदमाश और डकैत आए और उन्होंने हमारे घर में लूटपाट की और हमारे हस्बैंड को मार के चले गए। अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, राजधानी लखनऊ से लगभग 225 किलोमीटर दूर जनपद शाहजहांपुर का बंडा कस्बा है, ब्लॉक है, यहाँ थाना है जो कि तहसील पुबाया में लगता है। 2 सितंबर 2016 को यहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना घटित होती है जिसे सुनकर के रूह कांप जाएगी। आपने फिल्मों में, अलग अलग सीरियल्स में ऐसी किलिंग, ऐसे मर्डर सुने तो होंगे, देखे तो होंगे, लेकिन जो मर्डर यहाँ पर इस हवेली पर, इस कोठी पर हुआ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, वो वाकई हम सभी की रूह कपाने वाला है। आप सामने बैठी हैं जो मृतक थे सुखचैन जी भाई साहब, उनकी माता जी। आज उसी घटना को लेकर के, जो घटना 2 सितंबर 2016 को हुई थी, माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है और जो उस घटना की कृत्या थी, करने वाली घटना थी, उस घटना की जो मुख्य आरोपी थी रमनदीप कौर, उसको माननीय न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। अपने आप में फांसी की सजा बहुत बड़ी बात होती है और बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी होते हैं अक्सर उन्हीं को फांसी की सजा सुनाई जाती है। सबसे पहले माता जी आपको बहुत बहुत बधाई कि जो सुखचैन भाई साहब का जो सुखचैन था आपके लिए, वो तो हम क्या कोई भी वापस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी माता जी माननीय न्यायालय ने जो आपके साथ इंसाफ किया है, वो न्याय किया है, उसने इस चीज़ को बता दिया है कि अभी भी इंसाफ कहीं जिंदा है। और आपको 7 वर्ष का समय जरूर लगा जिसके लिए आपने तमाम दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए होंगे, तमाम सारे पैसे खर्च किए होंगे, बहुत सारे आंसू बहाए होंगे, लेकिन आज 7 अक्टूबर 2023 को जब माननीय न्यायालय का निर्णय आता है तो यह उन सभी के लिए खुशी की बात है जो सुखचैन भाई साहब के हितैषी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, और साथ में उन सभी लोगों के लिए भी ज़रूरी है और आशान्वित करता है उनको जो न्यायिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं। तो माता जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो दुर्घटना हुई थी तो उसकी आप चश्मदीद भी हैं। सबसे पहले आप ही को पता लगा जब सुखचैन भाई साहब नहीं रहे, उनकी हत्या हो गई? वो ऊपर सो रहे थे, मैं नीचे सोई हुई थी। ओके। तो पोते ने सुबह आके बताया मुझे कि दादी डैडी नहीं उठ रहे, तो वही मुझे ऊपर ले गया। मैं सॉरी, मैं उन घटनाओं में जाऊंगा ही नहीं क्योंकि बड़ी ही इमोशनल करने वाली घटनाएं हैं और मैं उस इतिहास की कोई बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक माँ हैं और एक माँ के दर्द को शायद एक माँ ही समझ सकती है। और आई एम वेरी सॉरी टू लेट यू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स। बहरहाल आज जो न्यायालय का निर्णय आया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं माता जी? मैं बहुत खुश हूँ, जो मैं मांगती थी वो मुझे मिल गया। मैं सोचती थी कि ये इन्होंने अगर मेरा बेटा खोया, मारा है, तो उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुझे खुशी हुई है कि आज उनको सजा मिली है, मेरे बच्चे को इंसाफ मिला है जो जज साहब ने दिया, या मेरे सभी कर्मचारियों ने, जो भी एसपी साहब ने मेरा बहुत साथ दिया, सबने मेरा बहुत साथ दिया। सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया मेरा भतीजा था गुरु दलजीत सिंह काला, हमेशा मेरे साथ रहा। आज वो मेरे साथ यहाँ पे नहीं बैठ, वो इंग्लैंड गया हुआ। दलजीत सिंह भाई साहब जहाँ भी होंगे इस वीडियो को देखेंगे, इस खबर को पढ़ेंगे और उन्हें जब खबर मिलेगी कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा हुई है तो बहुत खुश होंगे वो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन माता जी, वाकई बहुत ही दुखद घटना हुई इस स्थान पर जहाँ हम सभी बैठे हुए हैं। पूछना आपसे ये था कि इसमें जो मुख्य आरोपी महिला रमनदीप कौर थी, हाँ जी,
उसको तो फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन जो उनका प्रेमी था उसको भी होनी चाहिए, उनको भी फांसी होनी चाहिए, उनको भी फांसी होनी चाहिए, वो भी उतना ही हकदार है फांसी का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस आदमी ने एक ऐसी एंट्री मारी, एक ऐसा विलेन था वो, जिसने कि पूरे परिवार का सुख चैन आराम और सब कुछ नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अगर वो समझदारी सिखाता तो वो ना करता ये बात, मगर उसने तो सारा उसके साथ मिलके सारा मेरा घर ही बर्बाद करके रख दिया, कुछ रहने दिया, छोटे छोटे बच्चे थे, एक 6 साल का था, एक अभी 10 साल का, 9 साल का था। उस विलेन ने अगर देखा जाए तो आपकी गोद से तो बच्चा छीना ही है, साथ में सुखचैन भाई साहब के 2 बच्चे हैं। हाँ जी, उन 2 बच्चों की भी गोद छीनी है उनको भी उसी विलेन ने। तो मुझे लगता है कि रमनदीप कौर से किसी भी मामले में वो व्यक्ति जिसका नाम गुरप्रीत मिठू है, वो भी कम नहीं था, नहीं कम, उसे भी फांसी मिलनी चाहिए, उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग कोई अपील करेंगे आगे? जरूर करेंगे, हाँ करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि परिवार में घुस करके इस तरह की दुर्दांत आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग इस चीज से सीख जाएं कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति बचता है और परिवार के मेंबर एक साथ होते हैं और उनके अंदर एक ऐसा हौसला जो लंबे समय तक लड़ने का बनता है, फिर निश्चित रूप से माननीय न्यायालय की तरफ से भी ऐसे फैसले आते हैं जो काफ़ी हद तक घर वालों को संतुष्ट करते हैं। हाँ जी, हम सभी यहाँ बैठे हैं, आज काफ़ी रात हो गई है, हो सकता है कि विजुअल्स सारे क्लियर नहीं आ रहे हों, लेकिन विजुअल्स नहीं आने के बाद भी माता जी के आंसुओं से, माता जी के दर्द से, इनकी दुख भरी कहानी से हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो दर्द कितना बड़ा दर्द था जो 7 वर्षों बाद भी अभी कम नहीं हुआ है। रमनदीप कौर को फांसी हो गई है, लेकिन उन्हीं के बराबर जो पैरेलल एक दूसरा क्रिमिनल था, अपराधी था, जिसने की प्रवोक किया रमनदीप कौर को ऐसी जघन्य घटना घटित करने के लिए, मिठू, अभी तक उसको उम्र कैद की ही सजा हुई है, उसे भी फांसी होना चाहिए, ऐसा माता जी का कहना है। जरूर, धन्यवाद माता जी, आपने समय दिया। पड़ोस ना होता तो मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, ये सभी ने मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा, कभी भी रात को एक लाइट भी जलती तब भी ये फोन करके मुझे पूछते हैं बुआ क्या बात हुई है, अगर ये नहीं सब होते तो मैं इस घर में अकेली कैसे रहती। बहुत बड़ी पूरा मेरे एरिया ने मेरा साथ दिया, सारे मेरे पास में आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, हौसला देते हैं। माता जी जो ऊपर वाला है ना रब, उसकी खास बात है कि अगर वो सबकी उसी के ऊपर उम्मीद लगी हुई थी, सबकी, अगर वो मेरा एरिया, जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं सब मेरे हैं, तो अपने सब बस यही कहते थे कि इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। अभी जो छोटे बच्चे हैं, हाँ जी, सुखचंद भाई साहब के, कहाँ पे हैं? सुखजीत सिंह, सुखजीत नाम था, सुखजीत सिंह, ओके, हाँ, उर्फ सोनू, सोनू। सुखजीत के जो बच्चे हैं वो अभी शायद लंदन में, इंग्लैंड में। हाँ जी, बड़ी इससे बड़ी बेटी है मेरी, वहाँ पे उसके पास है दोनों, तो उन्हीं की देखरेख में रह रहे हैं, उनके देखरेख में रहे हैं। वहाँ की सरकार ने, यहाँ ने, इन्होंने मुझे बहुत उलझाया था जी, यहाँ मेरा बेटा खत्म हुआ, उसका सास ससुर भी साथ में आया हुआ था, फिर वो पंजाब में चले गए घूम फिर के, और जिस दिन खत्म हुआ तब पंजाब में थे, तो वहां से उन्होंने प्लेन पकड़ी तो इंग्लैंड भाग गए। जिसका दिमाग खत्म हो जाए वो इधर को आएगा या बाहर जाएगा, बराबर बात। और अपने पता लग गया, मेरी बेटी ने फोन किया कि मौसा जी ये बात हो गया, तब ये नहीं पता था कि किसने मारा, क्योंकि मुझे तो फोन गया था, तो फोन गया इसको किसी ने फोन कर दिया कि सोनू का मर्डर हो गया, उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे उनको पहली खबर मैंने ही दी है, जबकि उनको सब कुछ पहले उनको पता था। अच्छा, जब ये केस हुआ था तो इन दोनों ने भी भागने का षड्यंत्र रचा था? नहीं, वो तो घर पे ही थी, मिठू चला गया था रात को ही मर्डर कर, हाँ वो एयरपोर्ट से पकड़ा था, एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से, वो तो सर्विस की वजह से पकड़ा गया। वो मेरा देवर डीएसपी है पंजाब में, तो उन्होंने फिर वो वीडियो, हाँ, निकाला, उससे फिर वो पकड़ा गया, उसके फोन से लोकेशन देखी गई, हाँ, फोन की लोकेशन, पहले लोकेशन घर पे आई, दुबई जाना था, अच्छा, दुबई की फ्लाइट नहीं पकड़ी, अमृतसर से वापस शाहजहांपुर आया, लैंडिंग से मर्डर हुआ, फिर नेक्स्ट डे दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी थी, उसके घर वाले सोच रहे थे, लेकिन वो अपने घर वालों से भी छुपाया उसने,
और वो यहाँ पे आ गया। फ्लाइट दुबई की नहीं पकड़ी, शाहजहांपुर आया क्योंकि प्लानिंग पहले से जी। टैक्सी लेके रात को यहाँ आया। रमनदीप से ज्यादा गुनाहगार वो है जिसने दोस्ती का भी रिश्ता बनाया। पूरा दिन शाहजहांपुर रुका रुका वो होटल में, दुर्गा होटल में। क्यों भैया? सबसे क्लोज फ्रेंड था वो। अच्छा, ये ऊपर मेरा भाई सबसे ज्यादा भरोसा बड़ा है था। छोटा हैं आपका? बड़ा है था छोटा? सुबह हमसे कौन? सुखजीत सिंह भतीजा। भतीजा है? हाँ, ये चाचा है मेरे भाई। तो बहुत पहले बिचारों की जब आपका भतीजा इंग्लैंड से यहाँ आया था, एक महीना रुका था करीब। पहले घूमते रहे आगरा, इधर सभी आगरा, जब घूमते थे या मिठू के साथ ही घूमते रहे। भोला आदमी था, सास ससुर उसका, एक साला छोटा था और मिठू था, ये सब इकट्ठे एक ही गाड़ी में घूमते रहे। जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, अमृतसर, हाँ सारे घूमते रहे। और फिर इधर रीठा साहब भी गए हैं, सभी जगह गए हैं। और कुल मिला के उसको बहुत भरोसा था, उसका खाना पीना रहना ही होता था मिठू का भी। हाँ, यहाँ रहा एक हफ्ता मिठू भी घर पे, एक हफ्ता उसका सास ससुर भी रहा, वो भी रहा, सब रहे। सुखचैन के? हाँ, सुखजीत सिंह है। हाँ, रमनदीप के माँ बाप। रमनदीप इसके जो है, यानी कहीं ना कहीं रमनदीप के माँ बाप को भी इस बात की खबर थी। हाँ, कि मेरी बेटी गलत है, उनकी शय के साथ बेटी शायद। ना बताओ, ना बताया, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बताया और उसको कहा होगी नहीं तो कर दे ऐसा। हमें डाउट है, हमें डाउट है, वो तो भगवान जाने। लेकिन उनका जो कंडक्ट था बाद में, उनके दामाद की डेथ हो रही है, छोटे छोटे जो नन्हे बच्चे हैं, उनकी बेटी ने ऐसा काम किया है। सर, आप ये सोचो कि जिसका दामाद खत्म हो जाए बेटी, और क्या वहाँ से अपने घर से आओगे नहीं अपने बेटी के पास? और वो तो फिर है थे पंजाब में ही अभी। हाँ, तो उनको ये होना, और फिर यहाँ से भाग गए, यहाँ से भाग गए, वहाँ जाके जाते ही बच्चों की कस्टडी डाल दी, केस कर दिया। और हम पे माता जी, सुखजीत के बच्चे कितने बड़े हैं अभी? अब तो बड़ा वाला 17 साल का हो गया है। अच्छा, अभी 30 तारीख को। छोटा वाला 13 साल का? छोटा 13 का। यानी कि उस समय लगभग बड़ा वाला 11 साल का रहा होगा। 9 साल का था, 9 साल का उससे नीचे। हाँ, उसी महीने की 30 तारीख को 10 का। उनका रिएक्शन क्या था पिताजी को खोने के बाद? बड़े का तो वो, उनका छोटा तो अभी छोटा था, बड़ा तो बहुत खिलाफ है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खिलाफ। बच्चों पे तो असर हुआ ही ना, वो अपनी माँ के बहुत खिलाफ ना, वो आई विटनेस तो वही था, सारा कुछ देखा अपनी माँ को, जो कुछ किया उसने सब उसने देखा। सहम के डर के उस टाइम नहीं अब आया, चिल्ला पाया। लेकिन जब बाकी सब लोग आ गए थे, सब इंडिपेंडेंस से हमें सारा कुछ बता दिया, बताया बाद में स्टेटमेंट भी दे दिया। लेकिन पता नहीं वो सारा चिल्लाता, उसकी भी जान का खतरा था। खतरा था, हाँ जी, वो तो दरोगा ने उस वक्त जो इंस्पेक्टर थे उसने मतलब गवाही नहीं उसकी डाली थी। केस बिल्कुल मेरा नील हो गया था। उसके बाद फिर थोड़ा पता लगा तो भाग दौड़ कर फिर दोबारा चार्जशीट लगाई, तो जाके जी 7 साल 1 महीना और आज दुनिया 7 दिन हो गए। 7 वर्ष 1 महीना 7 दिन न्याय मिलने में लगा। आईओ का रोल इसमें नेगेटिव था जो पहले वाले। माता जी, जो सुजीत भाई साहब का बेटा है बड़ा वाला, हाँ जी, आपने उसको एक खबर दी फोन पे? बिल्कुल, वो आया था पिछले महीने, आया हर 2 मिनट के बाद फोन करके पूछ रहा है उसके एक ही सवाल था। उसको पिछले महीने में आया था देखने, कहता था कि हाँ पढ़ चुकी, उसी की गवाही हो चुकी है। और वो पूछता रहता बच्चा, उसको फंसी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सुखजीत भाई साहब चले गए, वो नहीं आ सकते कभी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके सहयोग करने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है यहाँ पर, तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं। और वो तो ये कह रही थी कि हमारे पड़ोसियों को पकड़ाने को थी कि इन्होंने मरवाया, और जो बेटा मेरा दलजीत सिंह भतीजा मेरा जो मेरी जमीन देख रेख करता है, जोतता था, उसके ऊपर भी इल्जाम कल तक भी यही लगते रहे, परसों तक भी, कि वो ठेके पे जमीन जोतता था तो इन लोगों ने, बेटियों ने मरवाया, मेरी बेटियों पे इल्जाम था कि बेटियों ने मरवाया है। बाकी रही सही कसर वकील छोड़ निकाल देते हैं, वो ऐसा पाड़ा। लेकिन दादी, अब यही कहना है कि अपने पोतों में ही अपने बेटे का अक्स देखने का प्रयास करिएगा, और वो जब बड़े होंगे तो आपका संबल बनेंगे। जमीन के मारे इन लोगों ने मरवाया, प्रॉपर्टी के मारे। अच्छा, प्रॉपर्टी जब आदमी खत्म होता, प्रॉपर्टी किसको जाती है?
बच्चों को और वाइफ को, जो कुछ भी आदमी करता है बच्चों के लिए ही करता है, बच्चों के लिए करता है। अच्छा, बेटियों को बहनों को क्या मिलेगा भाई को मार के? माता जी, रमनदीप कौर और मिट्टू की तरफ से पैरवी करने वाले कौन लोग हैं? इनके इन्होंने बहुत उनकी फैमिली है दोनों की, यानी कि जो रमनदीप का बाप भी आया उसका बाप कर रहा है, वो भी उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, आज भी साथी में है उसके बाप उसके। बिल्कुल सही बात, आजकल आतंकवादियों को वकील मिल जाते हैं। मेरे बेटे के दो घर थे, सब कुछ था, गाड़ियां थी, वो सब इनके रमनदीप के बाप ने सब बेच के इसी लगा दिया, बेच दिया सब। उसने प्लान बनाया था घर वालों को, कुछ बिरयानी में जहर वगैरह मिला दिया था, वो सारा है उसने नींद कुछ ऐसा था कि जो होश नहीं आया, और शायद कोई कुत्ता वगैरह की भी, हां दो दिन के बाद होश में आए, होश नहीं आया था। ये कुत्ता तो आने से पार्टी मर गया था? नहीं नहीं, मरा नहीं, वो मरा नहीं था, वो बाद में मरा था, बेहोश हो गए थे। तो बड़ी दर्द विदारक था, सारी विश्वासघात की, बड़ा क्षेत्र के लोग भी आए, ऊपर वाला सारा क्षेत्र हिल गया था। माता जी, मैं ऊपर वाले से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तो यही कहती हूं कि मेरा एरिया, मेरे अड़ोस पड़ोस सब बच्चे जो सब बच गए, अगर ये छूट जाती चली जाती तो हमारे यहाँ दुश्मनी मेरी पड़ जाती सबके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सब संभल बन करके, सब आपका कंधा बन करके, सब आपके हाथ बन करके साथ खड़े हैं। और जब मैं आपके अब्सेंस में यहाँ पहुँचा तो किसी ने भी मुझे सम्मान किया, अटेंड किया, ठीक है, लेकिन वो सब आपके इतने सपोर्ट में है कि आपकी बिना सहमति के कुछ भी कहने बोलने के लिए तैयार नहीं थे ना, कुछ भी नहीं। हाँ, और माता जी कहना था कि जब पैरवी कर रहे हैं उधर के लोग, मिट्टू के फैमिली के लोग और रमनदीप के फैमिली के लोग, रमनदीप को फांसी हो चुकी है और मिट्टू को उम्र कैद हुई है, तो क्या लगता है आपको कि वो ऊपर की कोर्ट में भी जाएंगे? जरूर जाएंगे, जैसे उनको सपोर्ट, हमने उनके चेहरे आज ही पढ़ लिया, उन्हें कोई फर्क, कोई पछतावा नहीं, वो तो बड़े प्राउडली जा रहे हैं, कोई नहीं, बेटी ने बहुत बड़ा काम किया। आज भी जज साहब ने पूछा कि अभी रमनदीप शाहजहांपुर जेल में, मुझे निर्दोष फंसाया, उसको तो तिहाड़ में होना चाहिए, कोई उन्हें पछतावा नहीं है, बाप भी उसका भजा फिरता था ऐसे, और कोई मतलब उनको नहीं कि हाँ हमारी बेटी ने क्या किया, कुछ नहीं। हाँ, आप गवाही के दौरान या कोर्ट में आपकी वो रमनदीप कौर से आमना सामना हुआ? पाथी में खड़ी रहती थी रोज, रोज देखते थे, रोज देखते थे भी और रोते भी थे, किया धरा मैं रोती थी, मगर वो उसने कभी आंसू नहीं निकाला, उसे अपने करने का कोई पछतावा नहीं, कोई पछतावा नहीं। अरे वो जिसके साथ रहना चाहती थी उसके साथ रह रही है, दोनों जेल में। अब उसकी जिंदगी भी नर्क हो गई, जो उसने सोचा था नहीं, नर्क तो क्या, नर्क तो उसने उस दिन बनाई थी जब अपने पति से विश्वासघात कर लिया, तो उससे पहले कर, जब वो जिंदा था उससे पहले उसके रिलेशन डेवलप हो गए थे, तो नर्क तो ऐसी औरतों के लिए एक सबक भी है। हाँ बिल्कुल, समाज में ये जो भी न्यायालय का आदेश आया है ये पूरे समाज के लिए एक संदेश है, गंदी औरतों के प्रति जो अपने जो ये, जबकि इतना असर है कि जो आज उसको सजा मिली है और भी माओ के बच्चे बच जाएंगे, जिसने अपने पति से, सगे पति से, अगर ये आज छूट जाती प्रेमी के खाते, इसको सजा ना होती तो कल को यही होना था कि वो NRI आई थी, वो आदमी मार के चली गई, उसको क्या हुआ, तो और भी औरतें ये कदम उठाती। अब शायद 7 साल से जेल में भी है। नहीं नहीं नहीं, बेल होगी फ्री, ये इसकी 4 महीने बाद बेल होगी। बहुत इनके पास फॉरेन का पैसा आया, बहुत पैसा लगाया, बड़े बड़े वकील किए सुप्रीम कोर्ट में, KTS तुलसी साहब को भी इन्होंने इंगेज किया। चार महीने बाद इसकी बेल हो गई, वकील इन्होंने इंगेज किए 4 महीने के बाद, तब से बाहर ही घूम रहे हैं, पूरी पैरवी पैसा बाहर चल गया है, वहाँ पर प्रोपोगंडा किया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ का पैसा इकट्ठा करके यहाँ लगाया, वकील खूब मिल गए, पैसे तो वकील को जब फीस, हाँ बिल्कुल, अगर वकील से आप बोलिए हमें ताजमहल खरीदना है, एक एक जने के यहाँ खरीदो, आठ हम दिलवा देंगे। नहीं, ताजमहल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दिन दिहाड़े अगर कोई कत्ल भी मैं क्या करना था, मेरे पास तो कोई एक निर्दोष है, यहाँ का शाहजहांपुर का, एक मेरा पंजाब का, वो भी बेचारे ने उसने अपना बेटा बन के समझो मेरा केस लड़ा, उसने वकील बन के नहीं लड़ा। आपके वकील कौन थे? मेरे वकील एक तो पंजाब से हैं, खन्ना, अशोक खन्ना सी। हाँ जी, वो उन्होंने मेरा जलंधर से आए हो, जलंधर से आते हैं, बहुत ईमानदारी से, बहुत मतलब उन्होंने, आपको शाहजहांपुर में कोई वकील नहीं मिला? एक शाहजहांपुर से है मेरा, जैसे जितेंद्र सोनी,
जितने हम करते थे वो जो खरीद लेते थे। इनको बेल मिलने की वजह भी ये थी क्योंकि वहाँ पे जो हमारा वकील था वो इनके साथ मिला हुआ था और वहाँ पे सेक्युरिटी कुछ और दी गई थी और हमें कहा गया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, खुद देख लें। क्या हुआ था वो थे क्या गया सीधा कि बच्चे रमनदीप कौर के साथ जेल में है और वो बहुत परेशान है इसलिए इसको बेल मिलनी चाहिए, जबकि बच्चे तो अपनी बुआ के पास यूके में थे, उनकी कस्टडी उनकी बुआ को मिल चुकी थी। तो आप लोगों ने एविडेंस नहीं दे पाए होंगे यार, आप नहीं 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 कोर्ट में नहीं दिया, मैं वकील नहीं बोल पाया, नहीं पता होता हमारे वकील ने बोला नहीं ना। हाँ नहीं, उनको पता नहीं था ऐसा, या कुछ स्लिप हो गया माइंड से। वो पहले जब वकील जो भी मेरा होता था तो उसको वो पहले पैसे खुवा देते थे, वो बोलता ही नहीं था मेरे जो खन्ना है ये। फिर हम लोगों ने जलंधर से फिर मेरा देवर जो है डीएसपी, उन्होंने फिर इसको भेजा। बाद में यस पुलिस का रोल बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत ही पॉजिटिव रहा। उसने दोबारा केस में जान डाली और फिर एसपी साहब ने मेरा साथ दिया, अब भी एसपी साहब ने मेरा साथ दिया, अब भी वो बहुत दुखी कर रहे थे। अगर उन्होंने साथ दिया मेरा, कोई एफआईआर में नेम्ड नहीं था, ऐसा कभी नहीं था, मतलब पता ही नहीं था, ये तो बेचारी बेहोश थी, तो तीन दिन तो इनको कुछ पता ही नहीं चला, एफआईआर इनकी तरफ से हुई, रिश्तेदार भी दूर दूर थे, वो तो घर में और कोई लोकेशन से सबको पता चला, तब कड़ी से कड़ी जुड़ी है। तो फिर दो देशों का मामला, हाँ दो देशों का मामला, या बड़े बड़े पैसा लूट के बाहर बैठे कौन ला रहा है, वो तो वहाँ की जो है, फिर भी गवर्नमेंट का इतना बहुत बड़ा वो है कि बच्चों को यहाँ परमिशन दे दी, इसमें इंग्लैंड सरकार, अगर ये विटनेस नहीं होती बच्चे की, वो आई विटनेस था, ये तो नीचे सो रही थी, तो कैसे सजा मिलती रमनदीप कौर को बचाने के लिए? क्या इंग्लैंड सरकार ने भी कुछ पैरवी? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने जबकि उस गवर्नमेंट ने वहाँ ने उन्होंने बच्चे को यहाँ परमिशन दी एविडेंस देने की, बच्चा माइनर था फिर भी दी उन्होंने, कोई चीज जो है हमारी जो प्राइवेटनेस वो था, सब देखा उसने था, ये तो नीचे सो रही थी, तो उसमें तो छिपकर देख रहा था, छिपकर ही सांस सोया हुआ था, वो बस रजाई ओढ़ के जो है देखता रहा, नाटक किया उस बच्चे ने अपने बचाव के लिए, एक छोटा सा बच्चा, उसको पता ही कुछ नहीं बेचारे को। कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि शायद हैंडीकैम से वीडियो वगैरह भी बना रही थी वाइल मर्डरिंग द पर्सन, वो तो बकायदा अच्छा नहीं मिल पाई, और मोबाइल में भी जितनी वीडियोस वगैरह जो पिछली थी, जो ये वेकेशंस पे गए घूमने गए, सारा उसने सारा वो डाटा क्लियर कर दिया था, कॉल डिटेल्स की वो सारी जो आपस में इनकी चैटिंग हुई है वो सब कुछ डिलीट कर दिया था। लेकिन वो हम लोग अपने लेवल से, एक मोबाइल मिला था इसके बैग में से जिसमें विट्टू की तरफ से इसको मैसेज आया हुआ था कि मैं आज रात को पहुंच रहा हूं, और वो उसी सेम डे का था। ओके जबकि अमृतसर से दुबई नहीं गया, हाँ यहाँ आया पूरा गया, जबकि कह के गया था दुबई जा, घर वाले छोड़ के आए, हमारा बंदा हमने तो उसको चढ़ाया दुबई गया, 3 घंटे की फ्लाइट है लेकिन वो वहाँ पे पहुंचा ही नहीं तो वो गया था। वीडियो भी लंबी हो रही है, माताजी थकी हुई हैं। दोस्तों कहते हैं कि बुलंद हौसले ही फतेह की ताबीर हुआ करते हैं, कांपते हाथों से तलवार नहीं उठाई जाती। हौसले माताजी बुजुर्ग हैं, काफी उम्र हो चुकी है, उसके बाद भी चूंकि माताजी के पास अभी और भी बेटे हैं जो माताजी के अगल बगल रहते हैं, उनके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी है जो किसी बेटे से कम नहीं है, बड़ा अच्छा बोलती हैं वो, तो निश्चित रूप से अगर मामला आगे जाता है, रमनदीप कौर की फांसी के लिए वो लोग बचाव करते हैं और मामला ऊपर की अदालतों में जाता है, तो आप सभी लोग पूरी तरह तैयार हैं और आप लड़ेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे, लड़ेंगे उस हक और हुकूक के लिए जो सुखजीत के बच्चों को मिलना चाहिए, सुखजीत की माँ को मिलना चाहिए, ज्यादा गलत है, और मुट्ठू की फांसी की बात आप रखेंगे कोर्ट में, को फांसी की सजा होनी चाहिए, उतना ही दोषी हो भी है, वो भी उतना ही दोषी है, वही वो इंसान है, वो कहता कि तो ऐसे काम मत कर, मैं तो साथ दे दूंगा, तो नहीं होता, क्योंकि सारी प्लानिंग दोनों ने मिलकर की, असली खलनायक वही बन गया, मारा है दोनों ने ही, उसका विश्वास तोड़ा है, तो गुनाह भी दोनों का बराबर हुआ, खाया पिया रात दिन गुजारे, और जिस घर का लोग कहते हैं मिट्ठू यहाँ आते थे रहने के लिए इस फार्म पे, इस कोठी में, ऐसा नहीं था, नहीं कभी कभी वो दुबई रहता आया था मेरा भाई वहाँ से बच्चों को लेके घूमने के लिए, तो मिट्टू इसका फ्रेंड था, उसे 6 महीने पहले ये दुबई होकर आया था उसके पास, अच्छा, तो इसने उसको बोला कि तू भी आ जा, हम एक साथ घूम लेंगे, कि चलो मेरे साथ भी बच्चे हैं, फैमिली है, तू भी साथ रहेगा तो थोड़ा सिक्योर रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब ये पॉइंट देखिए, मेरे भाई को लगता था कि ये साथ में रहेगा
तो मेरी फैमिली ज्यादा सिक्योर है, हम ज्यादा सिक्योर है, एक साथ मतलब रहेंगे, बाहर कहीं भी जाना है तो सिक्योर रहेंगे। बिल्कुल। तो इसने क्या किया, रक्षक ही रक्षक बन गया। अच्छा, ये दोनों पहले साथ साथ ही पढ़ते थे? हाँ जी, बचपन से जानते हैं वही दोस्ती, कातिल बन, कातिल बन गया। रमनदीप कौर ज्यादा ट्रस्ट करता था, वो इसीलिए इंग्लैंड में पैदा हुआ था कि हम एक साथ घूमेंगे, थोड़ा रमनदीप इंग्लैंड बच्चे हैं साथ में, वो फिर उसकी दोस्ती छोड़ के उसके उसके साथ दोस्ती कर ली ना, रमनदीप के साथ दोस्ती होगी। सोनू ने ही मिट्टू को इंग्लैंड बुलाया था? नहीं, मिट्टू कभी इंग्लैंड नहीं गया, दुबई, दुबई गया था। रमन का उसके साथ अफेयर वहीं पे शुरू हुआ था, दुबई गए, रमन भी गए थे दुबई। जी जी, पूरी फैमिली गए, बच्चे भी गए थे साथ में, तो ये लोग दुबई घूम कर आए हैं, इनका अफेयर वहीं पे शुरू हुआ। तो इन लोगों ने फिर नेक्स्ट प्लानिंग, ये घटना कब की है, ये 2015 मिड की, उसके बाद यहाँ आए फिर लोग, उसके 6 महीने के बाद इन्होंने फिर यहाँ। फिर इनका ये था की हमने मिलना है, लेकिन हम कहाँ मिल सकते हैं, मिट्टू के पास यूके का वीजा नहीं था, अब दोबारा दुबई जा नहीं सकते। तो इन्होंने प्लान किया कि रमन ने ही प्लान किया, रमन और मिट्टू ने, कि हम लोग इंडिया चलते हैं, वहाँ हम आराम से घूम फिर लेंगे, मिल लेंगे। फिर रमन ने मिट्टू को बोला कि मेरे को भी 6-7 साल हो गए, मैं इंडिया नहीं गई हूँ, तो इस बार हम इंडिया घूमने चलते हैं। तो ऐसे इनका प्लान बना था इंडिया आने का। रमनदीप का जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था, हाँ जी, उसको मार के बाद में मिट्टू तो दुबई चला जाएगा, और रमनदीप भी हफ्ते के बाद चली जाएगी यूके वापस। माता जी थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका, और उन लोगों ने पहले ही कर ली, हम सभी आपके बेटे ही हैं, बस बस आप सबका साथ होना चाहिए हमें, और ईश्वर करे कि आप उस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत रखें, और आपके साथ आपके पड़ोसी और रिश्तेदार पूरे संबल के साथ खड़े हुए हैं, देवर, हाँ जी, देवर आपके और आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके साथ, आप रुद्रपुर से हैं, हाँ, रुद्रपुर में रहते हैं, हाँ जी, आज आए स्पेशल ही यहाँ आने के लिए। अगर आप इसी तरीके से लड़ती रहें, हो सकता है दोनों, लड़ूंगी तो मैं आखिर दम तक, छोड़ना तो नहीं है, लड़ेंगे तो। सुखजीत अब इस दुनिया में नहीं है, और जो उस कुकृत्य को घटित करने वाले लोग थे उसमें एक को फांसी हुई है, एक को उम्र कैद हुई है, और सुखजीत की बहन अर्थात माता जी की बेटी हमारे साथ में है। बहन जी आपने भी, मनजीत कौर आपका नाम है, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपने भी एक हिम्मत दिखाई, हौसला दिखाया, और समाज को एक संदेश दिया कि भले ही हमारा भाई नहीं है, लेकिन बहन होकर के भी मैं अपनी माँ की सूनी गोद के लिए इस जंग को अंतिम कोर तक ले जाऊंगी। और क्या कुछ कहना है आज के इस निर्णय पर, जब उस अपराधी महिला को फांसी हो गई है और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, कुछ बोलेंगे आप? इंसाफ तो हमें मिला है, तो इसको फांसी हुई है वो यही डिजर्व करती थी, उससे हम खुश हैं। बट मिट्टू को भी फांसी की सजा ही होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी इक्वली गिल्टी है उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि मम्मी अकेले तो है नहीं, हम लोग हैं उनके साथ, मेरी बड़ी दीदी हैं, तो उनके जो हस्बैंड हैं वो हमारे लिए बड़े भाई की तरह हैं। तो ये केस पहले दिन से सारा उन्होंने ही लड़ा है, ये उन्हीं की एफर्ट्स थी कि ये लोग पकड़े भी गए और ये केस सही तरीके से चला, बाकी सब ने सपोर्ट की है। लेकिन अगर मैं किसी एक इंसान का नाम लूँ कि इस केस के पीछे कौन है, तो वो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्हीं के वजह से आज हम ये केस जीते हैं। बिल्कुल, उन्हीं की सपोर्ट थी, वो हमेशा हमारे साथ है और हम उनके पीछे खड़े हैं। बिल्कुल, और हम सभी हमेशा मम्मी के साथ हैं, वो अकेले तो वो है नहीं। तो वो लास्ट मंथ भी आए थे, तब लग रहा था कि केस क्लोज हो जाएगा, बट स्ट्राइक की वजह से फिर लंबा जा रहा था, तो उन्हें वापस जाना पड़ा। तो अभी वो नहीं आ सकते थे, तो हम बस उनके बिहाफ पे खड़े हैं। नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, और एक महिला होकर के आप कोर्ट कचहरी तक जा रही है, ये दूसरी महिलाओं के लिए एक सबक है और संदेश भी है कि अगर बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, बेटा नहीं रहता है, तो उसकी अब्सेंस में बेटियां भी पैरवी करती हैं और न्यायालय तक जाती हैं और अपनी माँ के लिए इंसाफ की मांग करती हैं, और इंसाफ मिलता भी है। हमारे साथ ही मनजीत कौर, जो कि अपनी माता जी के साथ, अपने परिवार के साथ खड़ी हैं और हौसला दे रही हैं। साथ ही में हैं तमाम सारे रिश्तेदार और पड़ोसी जो पूरी ताकत के साथ इस मामले में पैरवी कर रहे हैं और माता जी को एहसास नहीं होने दे रहे हैं कि हाँ उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं। हालांकि रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही फांसी की खबर वृद्ध माता जी के
परिजनों, रिश्तेदारों, हितैषियों तक पहुंची तो वो लोग अपनी गाड़ियां उठा उठा करके, कुछ लोग मोटरसाइकिलों से, कारों से यहां फार्म हाउस पे आए और माता जी को बधाई दी। साथ में ढाढ़स भी बंधाया कि आपने भले ही 6 साल पहले अपना एक बेटा खो दिया है, लेकिन हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इस पैरवी से लेकर के आगे जो अपेक्स कोर्ट है वहाँ तक आपकी पैरवी में साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिला करके हमेशा साथ दिखेंगे। माता जी, आप किसी भी सूरत में अकेली नहीं हैं, आपके साथ तमाम सारे बेटे हैं जो आपके आजू बाजू खड़े हैं और ये हौसला देते हुए सभी ने एकजुटता का परिचय दिया और दिखा दिया कि संगठन में शक्ति है और अंत में सत्य की जीत होगी।